बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 का आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 को डील कर रहा हूँ मैं। इसके बहुत से पार्ट पहले कर चुका हूँ, आज मैं कोशिश करूँगा एक या दो पार्ट अटेम्प्ट करूँ, जिसमें से पहला पार्ट 9 है। लेट्स ट्राई। तो कैसे ट्राई करना है, इसको स्टार्ट करना है, तो पहले देखेंगे इसके ये मैच कर रहे हैं, ठीक है। 3x + 1 मैच कर रहा है, तो हम इसको उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इससे आसानी हो जाएगी। तो देखते हैं, या इसको यहीं से डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3x2 + 5 ओवर 3x + 1, ये जब वहां शिफ्ट हो जाए प्लस आ जाएगा, सो 3x + 1। अब आपको पता है कि अगर ये चीजें मैच कर रही हूं, जिस तरह 3/5 और 7/5 सेम हो, तो इसका एलसीएम 5 ही होता है। तो यकीनन इसका एलसीएम भी 3x + 1 एलसीएम होगा। तो अगर एलसीएम मैच कर रहा हो तो जो चीज ऊपर लिखी होती है बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं, सेम यहीं पे 3x2 + 5 प्लस यहां से 8 आ गया। अब मैं इसको यहां क्रॉस पर डिप्लाई कर दूंगा, जब ये 3x × 4 करेगा तो 12x आ जाएगा, तो 1 × 4 करेगा तो 4 आ जाएगा। 3x2 8 + 5 13। अब चाहे सबको इधर ले जाएं चाहे उधर ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x2 ये एलिमेंट यहाँ पे आया -12x, सो +13 तो पहले ही यहाँ मौजूद है, 4 यहाँ चला गया -4। फिर 3x2 -12x और +9। अच्छा, आपके नॉलेज के लिए, अगर यहाँ 0 यहाँ लिखा हुआ हो या यहाँ, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे ऐसे लिखा है और मैं इन दोनों को फुली शिफ्ट करूं यूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन चेंज नहीं हुआ करते। साइन तब चेंज करते हैं अगर एक एलिमेंट उधर, दो इधर, तीन उधर शिफ्ट करें। अगर फुली शिफ्ट करें इक्वेशन को तो साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अब मुझे वही कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, तो यहां पे चाहिए मैं +1, तो डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं। सो डिवाइड बाय 3, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 किया तो 4x, डिवाइड बाय 3 किया तो 3। स्टेप नंबर 2, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम इस कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए। दो स्टेप के बाद वाला स्टेप क्या है, आपको पता है कि हम इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स कोफिशिएंट जो भी लिखा है एक्स के साथ, साइन मैटर नहीं करता, एक्स मैटर नहीं करता, इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ से किया तो क्या आंसर आया, 2। तो एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो जब मैंने बोथ साइड में ऐड किया तो सिचुएशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर -4x +2² इक्वल टू -3 + 2², यानी ये एलिमेंट जो है, ये वैल्यू जो है, हमने इधर भी ऐड कर दी। इसके बाद देखें क्या होता है, इसके बाद आपको पता है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करने जा रहे हैं रीजन। तो फिर ये जो यहाँ आपको पता है ये क्या वे है, क्या हम ब्रैकेट डाल करते हैं यहाँ पे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो एक्स और टू, और जो साइन यहाँ पे लिखा है वो यहाँ लिखेंगे, इज इक्वल टू -3 + 4। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 1, यहाँ पे x - 2² रूट लेंगे, तो आपको बता चुका हूं पहले मैं, तो रूट लेने पे प्लस एंड माइनस जरूर आएगा, और 1 का रूट तो पता ही 1 ही होता है, इसलिए चाहे ये ना लिखे। अब हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट्स में, x - 2 = 1 एंड x - 2 = -1। तो इधर ये 2 यहां शिफ्ट हो गए, 3 बन गया, ये 2 वहां शिफ्ट हो गए, तो ये 1 आया। तो हमारा जो आंसर है, मैं लिख रहा हूं 1, 3, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। एक क्वेश्चन पार्ट हमारा और भी है, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो ये 7 पार्ट है। इसको देखते कैसे ट्राई करेंगे। देखिए इसमें इसने यहाँ पे x को लिखा है, यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे x। तो पहले हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो 15/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया और +7/2x। अब ये जब मैंने शिफ्ट किया तो ये साइन तो प्लस हो गया। अब मैं फुली शिफ्ट करूंगा साइन को, ऐसे वैल्यूज को ऐसे शिफ्ट करूंगा। तो जब यू शिफ्ट करूंगा तो मैं बता चुका हूं पहले कि अगर आप फुली शिफ्ट करें वैल्यूज को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पे, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता। तो देखिए मैंने साइन चेंज नहीं किया,
इसमें दो चीज हासिल हो चुकी, क्या यहाँ प्लस वन है? जी बिल्कुल है, तो डिवाइड करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। क्या कॉन्स्टेंट वहां शिफ्ट हो गया? जी हो गया, यहाँ हम शिफ्ट किया था, यहाँ पे शिफ्ट हुआ मिला हमें। तो क्वेश्चन को मैंने सिर्फ दो स्टेप से अपने दो स्टेप मुकम्मल कर लिए। इसके बाद का स्टेप क्या है, 7/2 का हाफ क्या है, देख लेते हैं क्या आता है। 7/2 को इंटू हाफ करते हैं तो क्या ही कटता है, नहीं कटता, तो 7/4 आ गया हमारा। तो एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो आप देखिए फिर x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। तो ये तो मैं इसको रख कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि यहां से हम ऐसे लिखते होते हैं, ये x यहां पे आएगा, ये 7/4 यहां से आ जाएगा, और यहां पे जो साइन है कॉपी, और 15/2 तो 49/16। और आपको पता है कि इसका एलसीएम क्या है, 16 है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि एलसीएम कैसे, वैसे तो आपको इलम होना चाहिए 2 और 16, तो 2 1 2 8 8 2 16, तो एलसीएम हमारा जो निकला है वो 16 निकला है। तो अब आपको पता है कि यहां 16 तो है, चले ये 49 कॉपी हो गया, क्या यहां पे 16 है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए ऊपर और नीचे के 16 बन जाए, 8 नीचे 8 ऊपर। तो देखिए इनटू 8 16, तो 8 5 40 4 120, तो ये हमारा आ गया 169/16, और यहां पे चला जा रहा है ये x by 7/4 whole square। सो स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड का। तो अब देखते हैं इसके बाद हम क्लोज हैं खत्म करने के, x प्लस 7/4 रूट लिया इसका, तो यहाँ प्लस एंड माइनस इसका रूट लेने से, चले मैं आप स्टेप कर देता हूं, ये आ रहा है हमारे पास 13 और ये हमारे पास आ रहा है 4, जबकि इसको मैंने शिफ्ट कर दिया तो माइनस 7/4। अब मैं दो ब्रेक कर रहा हूं, माइनस 7 प्लस 13/4, एक स्टेप ये हो गया, और एक माइनस 7 माइनस 13/4 एक ये हो गया। तो यहां से आपका आंसर आता है 6, सो 6/4 तो बन गया 3/2, और ये माइनस 20 तो बन गया माइनस 5। तो हमारा जो आंसर है मैं लिखने जा रहा हूं माइनस 5, 3/2, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने आपके साथ कम से कम 6 पार्ट्स किए हैं 10 में से, उम्मीद करता हूं बाकी आसान बाकी आप खुद कर लेंगे। बट इन केस अगर आपको दिक्कत है तो आप YouTube में जाके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कौन सा पार्ट चाहिए, मैं वो भी इंशाल्लाह आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। तो लेकिन एक बात बता वासे कर दूं कि आपको रीअटेम्प्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने रीडू ना किया, बार बार तो ना दोहराया, तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप दोबारा इनको दोहराएंगे और बार बार इनको ट्राई कीजिए, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।